फिल्म को शूट करते दौरान कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे आपके, क्या वो एक्सपीरियंसेस थे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? एक्चुअली जब से मैं सुरेश से मिली, एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत ही अलग रहे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग. एंड अगेन आई हैव माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर्स हस्बैंड केदार टेनी टू थैंक फॉर दैट. उन्होंने मुझे सुरेश से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि इनके पास एक, यू नो, वो एड साथ में एड फिल्म कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया, ही वॉन्ट्स टू शेयर इट विथ यू. ये आ गए मिलने और उन्होंने एक आइडिया सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वी सर ओके डेवलप करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं डेवलप करके वापस आता हूँ. पर जाते जाते उन्होंने कहा एक और आइडिया एक सुना दूँ, वो है तुम्हारी सुलू. सो यू नो इट्स बिन एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सुरेश. मैंने जिस दिन उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई मुझे, मैंने स्क्रिप्ट पे लिखा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव हर्ड इन द लॉन्गेस्ट टाइम. वाओ, वाओ, दैट्स वंडरफुल, ब्रिलियंट. पर यू नो कभी कभी फिल्म बनते बनते बहुत कुछ बदल जाता है, यहाँ निखर गया फिल्म बनते बनते. गजब ही हो गया. मतलब नेहा, आप जो मतलब ऐसे बॉस का रोल प्ले कर रही हैं सुल्लू के, मतलब मेरी बॉस ऐसी हूँ, मैं तो संडे को भी ऑफिस चला जाऊँ. मैं तो मतलब ऐसे बोल दूँ कि मुझसे ओवर टाइम करा लो, एक्स्ट्रा काम करा लो, सबके शोज करा लो. हाउ इज द एक्सपीरियंस? सारे लड़के सेट पे यही कह रहे थे. एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. और आज आई थिंक प्रोमो देखने के बाद, जब यू नो माई फीलिंग वॉज इन द सेम, जब मैंने फिल्म के बारे में पहली बार सुना, आई थिंक तनुज गर्ग, जिसे मैं कम से कम हम नहीं ईयर्स 15 सालों से जानती हूँ, उसका एक मैसेज आया. अतुल, हुज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वी डिस्कस एवरीथिंग एक्सेप्ट मूवीज. एंड देन बोथ ऑफ देम मैसेज मी एंड दे वर लाइक, वी वांट यू टू डू दिस पार्ट. और मैंने बोला मैं क्या करूँगी यहाँ पे. एंड देन सुरेश मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन आई वाज आल्सो लाइक कि मैं करूँ नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बिकॉज द फिल्म वॉज सो नाइस. और आज प्रोमो देखने के बाद, ट्रेलर देखने के बाद, आई हैव टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अगर मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. दैट्स सम हेवी वर्ड्स एंड वेरी ट्रू इंडीड. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने अलबेली अंजलि का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, आई थिंक इसके बाद मलिष्का के बॉलीवुड करियर में पॉट होल्स नहीं आएंगे. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, प्रीशा? पहले तो तुम्हें बता दूं कि माइक पकड़ के स्टेज पर आते वक्त मुझे कभी कोई मतलब संकोच नहीं होता. दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं विद्या को बोलूँ आई थिंक आई एम गोना फेंट, यू नो, आई थिंक आई एम गोना फेंट. सो आई क्विकली वांट टू से थैंक यू टू अ फ्यू पीपल, तनुज एंड अतुल. आई मीन अतुल, इफ यू हैडन मेड दैट अनाउंसमेंट इन फ्रंट ऑफ आई थिंक द चीफ मिनिस्टर वाज सिटिंग देयर सेइंग ये मेरे पिक्चर में काम करेगी, आई सेड आई थिंक रेडियो इंटरव्यू की बात हो रही है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड तनुज, आई मीन थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. विद्या बालन के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, एक तो कॉलेज का है, फिर ऑफ कोर्स जैसे सुरेश त्रिवेणी साहब बता रहे थे गुड मॉर्निंग वाला, और अब इस फिल्म में यू नो एक अलग सा नाता बन गया, वेयर आई हैड टू बी अलबेली अंजलि एंड लाइक यू सी शी विंस प्रेशर कुकर्स फ्रॉम मी, दैट्स माय रोल. बट फिल्म बढ़ते बढ़ते आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकी वजह से, इस पूरी टीम की वजह से, ना सिर्फ यू नो बॉलीवुड जिसकी बातें मैं करती आई हूँ, आई एम गोइंग टू you know play a small role, but there's also a Tumka dance and all. Yeah, can we show them one step right yeah, now? Yeah, please indeed. No, the What's gana the... is not yet out, so we are not going to really show you the step, but you guys know that there is a hava hava, you know, so we should that we'll do at the launch yeah. of hava hava. Let's just sway so our hips. Yeah, that's going to be 1, 2, 3 yeah, that's okay, there's Bollywood dancing and all. But aap logo ne trailer dekhi hi hai, like Neha also said, यू नो उसके लिए एक गलती होती, मेरे लिए तो मतलब ये ड्रीम कम ट्रू है टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड एंड टू स्टार्ट इट विद विद्या, हु इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन्स आई नो. वाओ, रियली शी इज, आई मीन दैट्स व्हाई शी इज अ प्योर एक्टर एंड शी इज अमेजिंग ऑन स्क्रीन एज वेल. सो थैंक यू सो मच विद्या वंस अगेन. आई डिडंट फेंट.